दोस्तों मैं आपको WWE के एक ऐसे मैच के बारे में बताने वाला हूं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह मैच होता है द शील्ड वर्सेस 11 रेसलर के बीच, यानी कि 11-on-3 हैंडीकैप एलिमिनेशन मैच। तो इस मैच में क्या हुआ और किसकी जीत हुई उसी के बारे में करेंगे बात। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों यह मैच होता है द शील्ड यानी कि रोमन एंड सेथ रॉल्स एंड डीन एम्ब्रोस वर्सेस डेनियल ब्रायन, डॉल्फ जिगलर, रॉब वैन डैम, द उसोस, द प्राइम टाइम प्लेयर, जैक राइडर, आर्थर, कॉफी किंगस्टन एंड जस्टिन गैब्रियल के बीच। तो दोस्तों यह मैच स्टार्ट होता है डीन एम्ब्रोस एंड रॉब वैन डैम से। पहले तो रॉब वैन डैम इस मैच में डीन एम्ब्रोस पर भारी लग रहे थे, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने अपना फिनिशर लगाकर पहला रेसलर को इलिमिनेट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट रेसलर आते हैं कॉफी किंगस्टन, जिसका हैंड इंजर्ड था, और उसे भी डीन एम्ब्रोस इलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद द प्राइम टाइम प्लेयर्स के मेंबर अटैक कर देते हैं डीन एम्ब्रोस पर, जिसके बाद डीन एम्ब्रोस टैग दे देते हैं रोमन रेंस को। पहले तो रोमन रेंस डोमिनेट करते हैं, लेकिन उसके बाद टिटस ओनेल ने अपना कमबैक किया और रोमन रेंस के साथ साथ रिंग साइड पर खड़े डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस पर भी अटैक कर दिया, लेकिन रोमन रेंस ने काउंटर करते हुए टिटस ओनेल को स्पेयर देकर पिन करते हुए उसे एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद आते हैं जस्टिन गैब्रियल, जो अटैक करते हैं रोमन रेंस पर, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और रोमन रेंस ने उन्हें भी स्पेयर देकर एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद आते हैं जैक रेडर और वो रोमन रेंस पर अटैक करते हैं, और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन रोमन रेंस ने इसे भी स्पेयर देकर एलिमिनेट कर दिया, और इसी तरह से रोमन रेंस ने 3 रेसलर को एलिमिनेट किया। इसके बाद आते हैं डेनियल ब्रायन, जो कि आकर रोमन रेंस पर अटैक करते हैं और रिंग साइड पर खड़े डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस पर भी अटैक कर देते हैं। इसके बाद डेनियल ब्रायन टैग दे देते हैं जिमी उसो को, जिमी उसो ने रोमन रेंस को एक जबरदस्त सुपर किक लगाया, उसके बाद उन्होंने टैग दे दिया जे उसो को, जिसके बाद जे उसो ने रोमन रेंस पर टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाया और पिन करते हुए रोमन रेंस को एलिमिनेट कर दिया। और दोस्तों रोमन रेंस WWE में पहली बार पिन हुए थे, और उन्हें पिन करने वाले उनके कजन ब्रदर जे उसो थे, जिसे देखकर डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस भी शॉक हो गए थे। इसके बाद फिर हमें डीन एम्ब्रोस एंड डेरन यंग के बीच फाइट देखने को मिलता है, जिसमें डीन एम्ब्रोस टैग देते हैं सेथ रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस टॉप रो से यंग पर अटैक करते हुए उसे एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद डॉल्फ जिगलर आते हैं और वो सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद सेथ रॉलिंस टैग दे देते हैं डीन एम्ब्रोस को। डीन एम्ब्रोस थोड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन डॉल्फ जिगलर अपना फिनिशर देकर डीन एम्ब्रोस को पिन करते हुए उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद द शील्ड की तरफ से बचते हैं सेथ रॉलिंस, और उधर से बचते हैं डॉल्फ जिगलर, डेनियल ब्रायन, आर्थर एंड द उसो। डॉल्फ जिगलर एंड सेथ रॉलिंस के बीच हमें अच्छा फाइट देखने को मिलता है, लेकिन डॉल्फ जिगलर यहां पर टैग दे देते हैं आर्थर को, जिसके बाद सेथ रॉलिंस ने आर्थर को पेडिग्री देकर पिन करते हुए उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद डॉल्फ जिगलर, डेनियल ब्रायन एंड द उसोस मिलकर अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पर, लेकिन सेथ रॉलिंस को यहां बचाने आते हैं पहले डीन एम्ब्रोस, पर डॉल्फ जिगलर अटैक करके उन्हें बाहर कर देते हैं। इसके बाद आते हैं रोमन रेंस, जिस पर द उसोस डबल सुपर किक लगा देते हैं, और फिर द उसोस सुसाइड डाइव लगाते हैं डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंस पर। इसके बाद सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं डेनियल ब्रायन पर, लेकिन डेनियल ब्रायन काउंटर करते हुए अपना फिनिशर लगाते हुए और पिन करके एलिमिनेट कर दिया सेथ रॉलिंस को, और ये 11-on-3 हैंडीकैप एलिमिनेशन मैच को जीत लिया। तो ये थे द शील्ड का बेस्ट मैचों में से एक मैच। वैसे दोस्तों आपका शील्ड का कौन सा मैच अच्छा लगता है, आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।